नमस्कार, स्वागत है आपका फिल्मी बीट में। आपके साथ मैं हूं दीपिका नयाल। स्टार प्लस के सुपर हिट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में सुवर्णा का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस पारुल चौहान ने टीवी एक्टर चिराग ठक्कर के साथ मुंबई में शादी कर ली है। शादी की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। 30 साल की पारुल चौहान ने बेहद सादगी के साथ फंक्शन किया, जिसमें वो सिल्क की लाल साड़ी में नजर आई। वहीं चिराग इस दौरान व्हाइट बेस और गोल्डन वर्क शेरवानी में नजर आए। इंस्टाग्राम पर इनकी शादी की कई तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें पारुल और चिराग एक दूसरे के गले में वरमाला डालते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं एक तस्वीर में चिराग पारुल की मांग भर रहे हैं। फ्रेंड से आज हम लोग हस्बैंड वाइफ में कन्वर्ट हो चुके हैं, एक रिलेशनशिप को नाम दे दिया गया है, तो बहुत ज्यादा वाव फीलिंग है। और क्या फीलिंग है वो एक्सप्लेन नहीं कर सकती, बहुत सारी बटरफ्लाई घूम रहे पेट में, ऐसे होने वाला, ऐसा होगा, ऐसे हो रहा है, तो बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ। ओके, पैरुल हर लड़की का सपना होता है कि लेकिन मेरे मॉम डैड ने बोला कि जब ऑफकोर्स जब एक हर माँ बाप का सपना होता है कन्यादान करना, पैरों छूना, तुम चाहते ही करो, तो मंदिर का प्लान हुआ। तो मतलब अपने आप चीजें जो बनती गई, वेरी थैंकफुल के बहुत सारे एडवेंचर्स हुए रास्ते में, ट्रैफिक से लेके बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जो मतलब हमको लगा कि टाइम पे नहीं पहुंच पाएंगे, बट लकीली पहुंच गए। एंड मुहूर्त के हिसाब से हमने सारी जो रस्में थी वो हमने सारी कंप्लीट कर दी। सच बताऊँ तो हमेशा से, जैसे कि शो में भी देखते हैं, वो हमेशा मतलब यू नो सजी धजी होती है, लेकिन एज अ दुल्हन जब आज मैंने देखा तो मतलब दो मिनट के लिए ऐसा देखता रह गया, वाओ, नाउ दैट्स ब्यूटी। ये होती है यू नो कि जो इतनी सिंपलिसिटी में इतनी खूबसूरत है, आई एम वेरी थैंकफुल कि ऐसी लाइफ पार्टनर मुझे मिली। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग इन माय लाइफ। बहुत अच्छा था, कुछ भी पहनते हैं अच्छे लगते हैं, लेकिन ऑफकोर्स जब आप देखते हो कि आपका जो दूल्हा है वो आपको इन्होंने लेने आ रहा है, शादी होने वाली है अभी कुछ दिन में, ये रस्में होने वाली हैं, मैं पारुल चिराग ठक्कर बनने वाली थी, जब मैंने ऐसे देखा मैं ऐसे थी जो चाहा था वो मिला, जैसा चाहा था वैसा मिला। ओके, फैंस और व्यूअर्स को क्या कहना चाहिए, इतने एक्साइटेड है आपकी शादी देखा होगा, ऑफ कोर्स सबका ये सोशल मीडिया पे हमने बहुत ज्यादा प्यार देखा है और सबसे बहुत पॉजिटिव कमेंट्स आए हैं हमारी जोड़ी को लेकर। ये बेस्ट पार्ट है नो कि हम लोग इतने बार जब भी पोस्ट करते हैं पिक्चर्स वगैरह तो जनरली बहुत मिक्स्ड रिएक्शंस और मिक्स्ड कमेंट्स आते हैं, बट फॉर्चुनेटली ऊपर वाले की मेहरबानी है कि हमने देखा है कि सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव कमेंट्स आए हैं। इस सभी कमेंट्स के लिए, सभी चीज़ों के लिए थैंक यू सो मच, दिल से आप सब लोगों का थैंकफुल, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। आपके मेहंदी वाले हाथों में कुछ लिखा है, आप दिखा दें जरा क्या लिखा, पढ़ के बताएं। ज़ूम करो, पढ़ के नहीं बताऊंगी।
एक्चुअली जैसे मैंने सोचा था, हमारे वहाँ जब नॉर्थ में शादी होती है जो साड़ी या लहंगा आता है वो हमारे मम्मी पापा की तरफ से होता है, बट दिन में शादी कर रही थी, लेकिन हाँ मैं जो मेरा लखीमपुर में रिसेप्शन है वहाँ पे फुल ब्राइड की तरह रेडी होने वाली हूँ मैं। तो आज मैंने बनारसी साड़ी पहनी हुई है और ये रेड दुपट्टे का आइडिया मुझे एल मोमेंट आया कि चिराग के लिए मैंने स्पेशली पहले मैंने नहीं व्हाइट पहन रहा है तो उसके साथ कुछ मरून होना चाहिए, जो मेरी ननद है मैंने उनको फटाफट भगाया क्योंकि मैं अपने काम में बिजी थी, मैंने कहा ये नहीं, वो पिक्चर्स भेज रही थी भाभी कौन सा चलेगा, मैंने कहा ये नहीं, मैंने कहा अच्छा वो कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं चुन्नी करूँ, मैंने भी चुन्नी की। एंड लिटरली रात को 2 बजे शिल्पा और किया मेरे घर पर बैठ के उसमें टिकलियाँ लगा रही थी, स्टार्स फिक्स कर रही थी, हम लोग ऐसे मैं ऐसे बैठ करो 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 बहन की शादी है फ्रेंड की शादी है। एक्चुअली ये भी हमारे नॉर्थ में होता है कि ब्लैक और रेड कांच की चूड़ी पहनाई जाती है जो मॉम डैड की तरफ से होती है। ओके नहीं जो जो चीज़ें शुरुआत से चलती आ रही हैं, जो प्रथाएं चलती आ रही हैं, मैंने प्रॉपर उसी तरीके से शादी की है और मेरे मॉम डैड ने बैठ के शादी की, हमें किसी पंडित जी की ज़रूरत नहीं पड़ी बिकॉज उनको सारी प्रथाएं पता थी। हमारे नॉर्थ में जो प्रॉपर सुहागन का जो सिंदूर होता है वो इसी कलर का होता है, फिर ही आप उसको रेड में कन्वर्ट कर सकते हैं, शगुन का सिंदूर होता है। तस्वीरों से साफ है कि पारुल ने बिना किसी शोर शराबे के शादी की रस्म पूरी की। आपको बता दें कि पारुल ने 2 महीने पहले ही अपनी शादी का ऐलान किया था। विदाई सीरियल से घर घर में पहचान बनाने वाली पारुल चौहान की मुलाकात एक्टर चिराग से एक दोस्त के जरिए हुई। दोनों 2015 में 3 साल पहले मिले और अच्छे दोस्त बन गए। पारुल ने बताया कि चिराग ने उन्हें या उन्होंने कभी चिराग को प्रपोज नहीं किया, दोनों के बीच सिर्फ दोस्ती थी। पारुल ने कहा कि अक्सर वो कॉफी पीने जाते हैं, घूमते हैं और बातें शेयर करते हैं, अगर इसे डेट करना कहते हैं तो सही है, वो डेट कर रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि 2007 में सीरियल सपना बाबुल का विदाई से इंडस्ट्री में कदम रखने वाली पारुल चौहान उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखती है। इस सीरियल में उन्होंने रागिनी का रोल अदा किया था जिसके लिए उन्हें काफी ज्यादा सराहना मिली थी। बताया ये भी जा रहा है कि शादी के बाद पारुल उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में एक छोटा सा फंक्शन रखेगी और उसके बाद मुंबई में अपने दोस्तों के लिए पार्टी रखेगी। बहरहाल पारुल और चिराग को हमारी ओर से शादी की ढेर सारी शुभकामनाएं। खैर हमारे इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन बाकी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा।